हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको मेरा प्रणाम। सो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को आईब्रो के बारे में कि आईब्रो को कैसे बनाया जाता है, उसका शेप किस ढंग से दिया जाता है। मेरे से जितना हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की, समझाने की। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, मेरे से जो भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे कमेंट में जाकर के क्वेश्चन पूछिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फैमिली, आज हम सीखेंगे कि आईब्रो को किस ढंग से बनाया जाता है, उसका शेप कैसे दे। तो पहले हमें गाइडलाइन को फॉलो करना है। आईब्रो के ऊपर से बहुत कम बाल निकालना है ताकि आईब्रो का शेप जो है ऊपर की तरफ हो। अगर हम नीचे से ज़्यादा बाल निकालते हैं तो आईब्रो गोला हो जाएगा, ऊपर से कम बाल। अगर हम ऊपर से ज़्यादा बाल निकाल देते हैं और नीचे से कम तो आईब्रो सीधा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरा तरीका यही है कि आईब्रो में ऊपर से बहुत नाक के बराबर बाल निकाला जाए और उसके बाद नीचे से जो है शेप दिया जाए। और एक गाइडलाइन के थ्रू मतलब जो भी बनाएंगे एकदम इक्वल तरीके से बनाएंगे, जैसे कि ये नहीं कि एक यहाँ का निकाल दिए तो वहाँ का निकाल दिए, तो आपका आईब्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो फैमिली, क्या करेंगे, पहले हम एक गाइडलाइन तैयार करेंगे, धागा को एकदम सीधा लेकर के जाएंगे, मतलब गाइडलाइन के हिसाब से बनाएंगे। अगर आप कहीं कहीं से उखाड़ देते हो तो आपका आईब्रो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, मतलब प्रॉपर कोई लाइन नहीं बनेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में। उसको सही शेप में बनाओगे तो भी अच्छा लगेगा। अगर आप क्लीन ढंग से बनाते हो, सही उनका शेप होता है तभी जाके अच्छा लगता है। तो बस हमें इसी बात को फॉलो करना है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आईब्रो का जो बाल हम निकाल रहे हैं वो प्रॉपर सही ढंग से निकले, ना कि एक आप इधर से निकाल देंगे एक उधर से। सो वो करके उसके बाद पूरा हमें नीचे तक पूरा क्लीन कर देना है और बीच के भी बाल को क्लीन कर देना है। बाकी कस्टमर के डिमांड के ऊपर से भी आप बना सकते हो। सो आप देख सकते हो कि आईब्रो का शेप किस ढंग का आया है, कैसा लग रहा है आपको। और मैं प्रॉपर कोशिश करती हूँ कि मेरे कस्टमर मेरे यहाँ से एकदम खुश होके जाए। सो गाइस, आप देख सकते हो कि मेरा कैसा लगा है आपको आईब्रो। थैंक यू गाइस।